अस्सलाम फ्रेंड, मैं हावली रजा हूँ। आप देख रहे हैं परफॉर्मिंग चैनल। उम्मीद है सब कैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने 500 एग इनक्यूबेटर का रिव्यू दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उस इंक्यूबेटर को टेस्ट करने के लिए मैंने सील के एग रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हैच हुए थे, लेकिन मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर नहीं की। तो उसके बाद मैंने फैंसी के एग रखे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हैच हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ वो इंक्यूबेटर का रिजल्ट दिखाऊंगा कि इंक्यूबेटर का क्या रिजल्ट आ रहा है और कौन सी ब्रीड के मैंने आगे रखे थे और कौन कौन से चिक्स हैच हुए हैं और जो असील के चिक्स हैच हुए थे उनकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो एंड तक देखेगा बगैर टाइम इसकी। ये वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप भी अपने फार्म या कारोबार की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। शुक्रिया फ्रेंड। ये है वो इंक्यूबेटर, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मुझे मिला। ये जो इंक्यूबेटर है ये सिर्फ जो एग रोटेशन है वो मैनुअल है, बाकी सब कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिक है। इसके अंदर ह्यूमिडिटी फायर भी लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। आप देख भी रहे होंगे, आपको चिक्स नज़र आ रहे होंगे और कुछ एग ऊपर भी पड़े हुए हैं। तो आपको मैं अंदर से भी मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर मैंने कितने एग रखे थे और क्या रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला। आप ये देख रहे होंगे, एक ही अभी चिक्स निकला, अभी निकला, और तीन एग पड़े हुए हैं अभी भी, इसमें से भी अभी चिक्स निकलने हैं, एग फर्टाइल हैं। और उसके अलावा आप ये देख रहे होंगे नीचे, ये सारे चिक्स निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मुझे मिला। उसके अलावा कुछ चिक्स नीचे भी हैं। इसके अंदर जैपनीज के भी चिक्स हैं और इंग्लिश गेम के भी चिक्स हैं और पोलिश के भी हैं, पोलिश के एग भी हैच होने हैं। और ये जो है जैपनीज का चिक्स है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्दी है। जो एग थे वो मैंने सेंटर वाली ट्रे में रखे हुए थे, ये आप देख रहे होंगे साइड से, तीन ट्रे इसमें अंदर मैं बनाई हुई थी, तो गैप आप चेक कर रहे होंगे। तो सेंटर वाली ट्रे में यूज़ कर रहा था, तो सेंटर वाली ट्रे में मैंने इसके अंदर एग रखे हुए थे, तकरीबन 36 एग रखे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 25 एग हैच हो चुके हैं, तो बाकी तीन एग हैच होने हैं। जो अनफर्टाइल थे वो मैंने पहले ही मैं साइड पे कर देता होता हूँ। तो ये रिज़ल्ट आया, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, माशाल्लाह ज़रूर कहें। उसके अलावा कुछ नीचे भी चिक्स हैं, वो पीछे चले गए। इससे इसके अंदर मैंने जो सील के एग रखे थे वो भी हैच हुए थे, उसके मैं चिक्स आपको दिखाता हूँ उनकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है। फ्रेंड, ये हैं वो चिक्स जो फर्स्ट टाइम इससे इंक्यूबेटर से मैंने हैच करवाए थे। तकरीबन 6 एग रखे थे जिसमें 4 हैच हुए थे, ये आप देख रहे होंगे, 2 ब्लैक हैं और 2 येलो हैं। और ये मैंने ब्रूडर में इनको रखा हुआ है, आपको मैं पकड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्दी है। तकरीबन ये 35 से एक महीने 35 दिन का होगा, 30 दिन 35 दिन का ये चिक्स होगा। एग्जैक्ट मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तकरीबन मुझे 35 से 40 दिन का लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्दी है, इसको रख देते हैं हम अंदर। उसके अलावा एक चिक्स ये भी है, इसकी मुझे ब्रीड का नहीं पता, इसकी ब्रीड कौन सी है। ये तकरीबन मैंने किसी से एग लिए थे तो उसमें उसके अंदर से कोई 3 चिक्स निकले थे, तो 2 एक्सपायर हो गए थे, तो एक मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी ब्रीड का चिक्स है। आप देख रहे होंगे, अगर आप में से किसी को बताए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ये कौन सी ब्रीड है इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं सारे, तकरीबन कोई 30-35 दिन के चिक्स हैं।
फ्रेंड ये है इंक्यूबेटर, आपको इंक्यूबेटर का रिजल्ट अच्छा लगा होगा, तो ये चिक्स आप देख रहे होंगे काफ़ी हेल्दी हैं। जब मैं इनको ब्रूडर में शिफ्ट करूंगा तो उसकी भी मैं वीडियो अलहदा से बनाऊंगा, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा इनको वो पहले दिन खुराक कौन सी देनी चाहिए, तो पूरा वो आपके साथ मैं वीडियो एक डिटेल से शेयर करूंगा जिसमें मैं इनकी जो पहले दिन की खुराक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल इनको इसी के अंदर रहने देंगे, तकरीबन कल परसों मैं शिफ्ट करूँगा ब्रूडर के अंदर, तो फ़िलहाल गर्मी है कोई इतना इशू नहीं होगा। ये है वो इंक्यूबेटर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया जल्दी से फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।